सेम यही ऑफर जो है मैंने साइन अप करवाई थी यूके में अपने दोस्त से, ठीक है। जस्ट साइन अप करवाया था, मैं चाहता था कि मैं टेस्ट करूं कि वाकई ये काम करता है कि नहीं करता। सीपीए ग्रिप 2.2 जो रेवेन्यू है ये हमारे मेरे अकाउंट में यहाँ पे जो है आपको शो, ये जो है सिर्फ एक ऑफर का जो है मुझे शोर है। अगर मैं डिफरेंट ऑफर बना के जो है डिफरेंट लोगों को भेजूँ तो मैं बहुत सारा रेवेन्यू जनरेट कर सकता हूँ। इट्स बीन के सीपीए ग्रिप वर्क कर रहा है, ठीक है। आप इससे जो है बहुत सारी अमाउंट अर्न कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हम सब लोग, आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। सो क्यों ना आज मैं आपके साथ एक ऐसा एफिलिएट प्रोग्राम शेयर करूं जिसके थ्रू आप सिंपली साइन अप करवा के या ऐप इंस्टॉल करवा के जो है आप अर्निंग कर सकते हैं, ठीक है। तो आज जिस एफिलिएट प्रोग्राम के बारे में बात करने जा रहे हैं उसका नाम है सीपीए ग्रिप। और सीपीए ग्रिप क्या है, इसके ऊपर आपने अकाउंट कैसे क्रिएट करना है, और उसके बाद जो है यहाँ से जो ऑफर आप जनरेट करेंगे वो आपने कैसे ऑफर्स कैसे जनरेट करनी है और साइन अप लोगों से कैसे करवाना है, ठीक है। सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। इस वीडियो को आपने एंड तक देखना है। और इस वीडियो में आपको जो है मैं अपना लाइव जो जो अर्निंग हो रही है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। सो वीडियो शुरू करने से पहले जो है मैं एक और बात कोट करता चलूँ। सीपीए ग्रिप के ऊपर जो है सब फर्स्ट ऑफ ऑल जो है मैंने इसको स्टडी किया, ये काफ़ी पुराना है, लोग इस पर काफ़ी टाइम से काम कर भी रहे हैं। लेकिन जो है मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल जो है मैंने इस पर टेस्ट किया है, और टेस्ट करने के बाद जो है मैं वीडियो बना रहा हूँ। सीपीए ग्रिप को टेस्ट मैंने इसलिए किया है कि मैं चेक करना चाह रहा था कि क्या ये वाकई वर्क करता है कि नहीं करता। तो मैंने इस पर टेस्ट किया है, ठीक है, ये काम कर रहा है, और मैं आपको आगे जाके इस वीडियो में दिखाऊँगा भी। तो आपने क्या करना है, आपने जो है गूगल में जाके सीपीए ग्रिप लिखना है, और उसके बाद आपने रजिस्टर के ऊपर आना है। यहाँ पर इसके ऊपर आएंगे। सो रजिस्टर के ऊपर आने के बाद आपने यहाँ पे फर्स्ट नाम लिखना है आपने, तो हम नाम लिख लेते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे आपने जो है लास्ट नेम लिखना है, जो भी आपका ओरिजिनल लास्ट नेम होगा वो लिखना है आपने। कंपनी अगर है तो आप इसको स्किप, कंपनी है तो लिख सकते हैं, अगर नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए जितने भी स्टोर बने हुए हैं ये स्टार आपको नज़र आ रहे हैं, ये मतलब कि आपने ये फिल करना है। जिनके ऊपर स्टार नहीं बने हुए वो आप स्किप कर सकते हैं, लाइक कंपनी और वेबसाइट अगर आपके पास है तो ठीक है, अगर नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं, ठीक है। मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। उसके बाद जो है आपने यहाँ पे एड्रेस, ठीक है, एक रेंडम सा मैंने एड्रेस यहाँ पर डाल दिया। उसके बाद कंट्री आपने सेलेक्ट कर लेनी है, उसके बाद सिटी आप सेलेक्ट करेंगे, इस्लामाबाद हो जाएगा, जो भी आपकी सिटी होगी आपने वो लिखनी है। अगर आप पाकिस्तान से तो पाकिस्तान की सिटी लिखेंगे, अगर आप इंडिया नेपाल या बांग्लादेश हैं तो आपने उस हिसाब से अपनी जो है वो कंट्री और सिटी यहाँ पे ऐड कर देनी है, ठीक है। और उसके बाद जो है यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे जो है आपने स्टेट और रीजन लिखना है, पोस्टल कोड जो होगा या जिप कोड जो होता है वो आपने यहाँ पे लिखना है। उसके बाद जो है आपने यहाँ पे अपना टेलीफोन नंबर यहाँ पे ऐड करना है, ठीक है। ये करने के बाद जो है आपने यहाँ पर स्काइप आई डी लिखनी है। अगर स्काइप आई डी नहीं है तो आप यहाँ पर अपना व्हाट्सअप नंबर यहाँ पर पीछे व्हाट्सअप लिख के आगे व्हाट्सअप नंबर लिख सकते हैं, या जो है आप अपनी फेसबुक आईडी का यहाँ पे जो है यूज़र नेम दे सकते हैं या कुछ भी दे सकते हैं। तो अगर स्काइप की जो है आईडी है तो आप लिख सकते हैं, नहीं तो अगर नहीं आप यहाँ पे रैंडम सी कोई सी भी डाल सकते हैं, यहाँ पे खुद से आप बना लें। कोई सुनिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वकास, ठीक है। तो ये जो है हमारी एक स्काइप आईडी बन गई है। यहाँ पर अभी दोबारा ऊपर आ जाते हैं, यहाँ पर आपने जो है ईमेल लिखनी है, ठीक है, ये ईमेल हमारी आ गई। और उसके बाद आपने पासवर्ड यहाँ पे जनरेट किया। सो पासवर्ड हमारा यहाँ पे आ गया। और चूज़ ए टाइम जोन, टाइम जोन जो है आपने यहाँ पे चूज़ कर लेना है। तो मेरा यहाँ इस्लामाबाद कराची होगा, तो मैं यहाँ पे ये सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। अभी अभी ये नीचे पूछा कि वेयर डिड यू हेयर अबाउट अस, आपने हमारे बारे में कहाँ से सुना, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं सोशल मीडिया। तो उसके बाद जो है यहाँ पर आ जाते हैं, आपने इसको जो है वो एग्री कर देना है इन सारों को। एग्री करने के बाद आपने सिंपली रजिस्टर के ऊपर आना है। सो ये सीपीए ग्रिप का डैशबोर्ड है, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे टुडे रेवेन्यू, यहाँ पे जो भी आपका रोज़ का जो रेवेन्यू होगा वो जो है यहाँ पे शो होगा। ये डैशबोर्ड है, यहाँ पे ये पब्लिक चैट है, इस पब्लिक चैट के अंदर भी आपने इंटर होना है। जब आप मिनिमम जो है $25 जो है आप, तो आपने क्या करना है सिंपली यहाँ पर नीचे आना है। सब फर्स्ट ऑफ ऑल आपने दो चीज़ें ये जो है ना वेरीफाई करनी है, ठीक है। अकाउंट नोटिस आ रहे हैं यहाँ पे, आपने अकाउंट सेटिंग के ऊपर जाना है, क्लिक करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल ईमेल जो है हमने वेरीफाई करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें ये जो है ईमेल है, और यहाँ पे ये सेंड न्यू वैलिडेशन ईमेल, आपने इसके ऊपर करना है। ये ईमेल जो है आपको एक आई होगी आपकी जीमेल के ऊपर, जो भी आपने यहाँ पर ऐड की थी, ठीक है। ये ईमेल वेरीफिकेशन आई है, तो हम इसके ऊपर लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे।
तो हमारी जो ईमेल है वो वेरीफाई हो जाएगी। यहाँ पे देखें, ये हमारी ईमेल जो है वो वेरीफाई हो गई है। आपने इसको क्लोज़ करना है। दोबारा से यहाँ पे आएंगे और उसके बाद जो है यहाँ पे आ रहा है टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स नॉट ऑन फाइल। ठीक है, आपने क्या करना है सिंपली जो है, क्योंकि हम तो टैक्स पेड नहीं है, तो आपने यहाँ पे आना है फाइल W8 इंटरनेशनल। आपने इसके ऊपर क्लिक करने के बाद जो है ये छोटा सा फॉर्म है, ये आपने फिल करना है। ठीक है, कोई भी यहाँ पे डिटेल ज़्यादा नहीं डालनी आपने। यहाँ पे देखें नाम होगा और उसके बाद ये जो एज इट इज़ एड्रेस आपने ऑलरेडी डाला है वो है, और यहाँ पे जस्ट आपने सिटी, और यहाँ पे जो है यहाँ पे भी आ जाते हैं हम, ज़िप कोड आपने यहाँ पे दोबारा से मेंशन करना है, जो पोस्टल कोड होता है वो वाला आपने यहाँ पे लिखना है। उसके बाद देखें यहाँ पे टैक्स पेयर आइडेंटिफिकेशन नंबर है। ठीक है, जो टैक्स पेयर होते हैं वो उनके लिए एक NTN या जो है ना एक नंबर होता है टैक्स का, वो यहाँ पे लिखना पड़ता है। बट हम जो है वो एलिजिबल ही नहीं है टैक्स के लिए, तो आपने NA मतलब होता है नॉट एप्लीकेबल। ठीक है, तो आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, ये आपने यहाँ पे एज इट इज़ रहने देना है, और ये ऑप्शनल है, आपने इसको छोड़ देना है। उसके बाद आपने यहाँ पे जस्ट अपनी डेट ऑफ बर्थ लिख लेनी है। ठीक है, तो मैं लिख लूँ यहाँ पे। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ जो है आपने यहाँ पे लिखनी है जो है। उसके बाद आपने यहाँ पे नीचे आना है और आपने इसको जो है वो स्किप कर देना है। ये जो है नीचे आएंगे, यहाँ पे सिग्नेचर जस्ट आपने करना है। सिग्नेचर मीन कि आप अपना यहाँ पे नाम लिख सकते हैं। ठीक है, जस्ट अपने नाम लिखना है यहाँ पर, और उसके बाद आपने कर देना है इसको सेव। सो सेव के ऊपर क्लिक करने के बाद ये दोनों चीज़ें हमारी हो जाएंगी। ठीक है, अब आपने क्या करना है, आपने सिंपली जो है डैशबोर्ड पे आना है, और हमने ईमेल और जो है टैक्स वेरिफिकेशन ये दोनों चीज़ें हमने वेरीफाई कर ली हैं। अब यहाँ पे एक नोटिस रह गया पेमेंट का, तो ये पेमेंट जो है आप एंड पे भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि अभी ही आप सेटिंग करें इसकी। सो अभी जो है हम अपने एक्चुअल काम की तरफ चलते हैं। यहाँ पर देखें, ये डैशबोर्ड है, यहाँ पर स्टैटिस्टिक्स हैं, यहाँ पर ये चार्ट है, ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे जो भी आप काम करेंगे उसका जो है जितना भी ओवरव्यू है वो यहाँ पे शो होगा। ठीक है, व्यूज़, क्लिक्स, लीड्स, रेवेन्यू आपका यहाँ पे शो होगा। ठीक है, और उसके बाद जो है यहाँ पे आ जाते हैं, ये मोनेटाइजेशन टूल है, आपने इसको स्किप कर देना है। यहाँ पे आपने यहाँ पे सिंपली ऑफ़र टूल्स के ऊपर आना है, और आपने माई ऑफ़र के ऊपर जाना है यहाँ पर, और यहाँ पर जितनी भी ऑफ़र्स होंगी वो यहाँ से हम जनरेट करेंगे। और यहाँ पर आने के बाद आपने सिंपली क्या करना है यहाँ पर, तो यहाँ पे जब आप आएंगे तो यहाँ पे देखें ऑफ़र्स के अंदर जो है कंट्रीज़ हैं, यहाँ पे जितनी भी कंट्रीज़ हैं उनके सारों के ऑफ़र्स यहाँ पे लगी होती हैं। यहाँ पे कैटेगरीज़ हैं, आप कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हैं, लाइक आपने जो एफिलिएट करना है वो कौन सी आप ऑफ़र यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। लाइक यहाँ पर मोबाइल इंस्टॉल लिखा हुआ है, तो ये जो ऑफ़र्स होती हैं ये लाइक आप जो है यहाँ पर इनका जब लिंक लेंगे तो आपने किसी से मोबाइल इंस्टॉल का मतलब ये होता है कि कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करवानी होती है। ठीक है, यहाँ पे पिन सबमिट है, यहाँ पे ईमेल जिप सबमिट है, तो ये लाइक जो है आपने साइन अप करवाना होता है। उसके बाद यहाँ पे शो स्टैट्स के ऊपर आ जाएँ, तो यहाँ पे जो है जितने भी हॉवर्स हैं या जितने भी डेज हैं उन हिसाब से यहाँ पे आपको ऑफर्स शो होंगी। अच्छा, यहाँ पे सारी हमारी ऑफर्स शो हो रही हैं, और यहाँ पर जो है ना आपने इसको एज़ इट इज़ यहाँ पर रहने देना है। ये जो है लैपटॉप पर, कंप्यूटर पर, उसके बाद आपके आईफोन और एंड्रॉयड पर शो होंगे सारे। ठीक है, तो यहाँ पे आएँ तो यहाँ पे देखें डिफरेंट कंट्री से डिफरेंट जो है ऑफ़र्स यहाँ पे लगी हुई हैं। ये जो है यहाँ पे कार्ड, क्रेडिट कार्ड सबमिट का जो है ये इन्होंने ऑफ़र लगाई हुई है, और ये जो पे कर रहे हैं वो कह रहे हैं $6.4। ठीक, उसके बाद डिफरेंट ऑफ़र्स हैं यहाँ पे। यहाँ पे देखें ईमेल जिप सबमिट, ये जो है लाइक आपने एक फॉर्म जो है वो साइन अप करवाना होता है लोगों से, उसके जो है ये आपको पे कर रहे हैं $2.40। ठीक है, यहाँ पे डिफरेंट ऑफर्स आपको नज़र आएंगी। अभी आपने क्या करना है, अभी आपने ये करना है कि यहाँ पे कंट्रीज़ के ऊपर आना है। आपने जो है ज़्यादा जो कंट्रीज़ हैं, जो हमारी पाकिस्तान कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे जो CPC जो पे आउट होता है वो कम होता है, तो आपने जो है USA या UK की जो है ना कंट्री सेलेक्ट करके वहाँ से आपने ऑफर्स उठाने। तो मैं यहाँ पर यूनाइटेड किंगडम कर देता हूँ। अब यहाँ पर देखें ये जो है यहाँ पर दो ऑफर्स लगी हुई हैं, ये बेसिकली जो है यहाँ पर जी ऑफ़र जो अवेलेबल होती हैं ये आपकी डेस्कटॉप पे होगी और यहाँ पे एंड्रॉयड पे होगी। ठीक है, ये आपने देख लेना लाजमी। तो यहाँ पे ये ऑफ़र्स लगी हुई है कि यहाँ पे मैं ऑफ़र्स, ये जो ऑफ़र लगी हुई है ये हमें पे कर रहे हैं $2.22। ठीक है, तो आपने क्या करना है सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना है। सो ये यहाँ पर आप कह रहे हैं जी कि आप हमारी ये ऑफ़र्स उठाएँ, सिंपली यहाँ से लिंक उठाएँ
और आपने किसी भी जो है कंट्री में ये लाइक यहाँ पे लिखा हुआ है दिस ऑफर इज ओनली अलाउड ऑन एंड्रॉयड इन यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। आप यहाँ पे जो यूनाइटेड किंगडम में आपके बहुत सारे रिलेटिव्स होंगे, आपके फैमिली मेम्बर्स होंगे, तो आप उनको जो है ये लिंक सेंड कर सकते हैं, लेकिन लिंक डायरेक्टली सेंड नहीं करना, वो मैं तरीका आगे बताने जा रहा हूँ कि आपने कैसे जो है साइन अप करवाना है, ठीक है। सिंपली आपने साइन अप करवाना है और ये जो है ये जो पे आउट है ये आपके अकाउंट में उसी टाइम आ जाएंगे। अब यहाँ पे जो है आपका क्वेश्चन होगा कि कितना टाइम लगता है, मैं अभी आपको दिखा भी देता हूँ। यहाँ पे जैसा कि मैंने आप वीडियो में बताया था कि मैं आपको दिखाऊंगा कि जो जब मैंने टेस्ट किया इस पर तो मेरा जो रेवेन्यू था वो मेरे अकाउंट में उसी टाइम आ गया था, ठीक है। तो मैं यहाँ पे दिखा भी, ये मैंने जो है 3 के 4 दिन पहले जो है मैंने एक ऑफ़र जनरेट की, सेम यही ऑफ़र जनरेट की थी ये जो आपको मैं अभी दिखा रहा हूँ वीडियो में, सेम यही ऑफ़र जो है मैंने साइन अप करवाई थी यूके में अपने दोस्त से, ठीक है। जस्ट साइन अप करवाया था, मैंने चाहता मैं टेस्ट करूँ कि वाकई ये काम करता है कि नहीं करता सीपीए ग्रिप। तो जब उसके पास ऑफ़र चलेगी तो उसने सिंपली जो है उस लिंक के ऊपर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद जो है यहाँ पर देखें, क्लिक करने के बाद ये जो है ये 2.2 जो रेवेन्यू है ये हमारे मेरे अकाउंट में यहाँ पर जो है आपको शो, ये जो है सिर्फ एक ऑफ़र का जो है मुझे शोर है। अगर मैं डिफरेंट ऑफर बना के जो है डिफरेंट लोगों को भेजूँ तो मैं बहुत सारा रेवेन्यू जनरेट कर सकता हूँ। इट्स बीन के सीपीए ग्रिप वर्क कर रहा है, ठीक है। आप इससे जो है बहुत सारी अमाउंट अर्न कर सकते हैं। अभी जो है हम चलते हैं यहाँ पे। अब आपने क्या करना है यहाँ पे, सिंपली आपने जो है गूगल साइट के ऊपर एक लैंडिंग पेज क्रिएट करना है। अब लैंडिंग पेज कैसे क्रिएट करना है वो मैं बताने जा रहा हूँ। आपने क्या करना है यहाँ पर, मैं एक लैंडिंग पेज दिखा भी देता हूँ जो मैंने उस दिन क्रिएट किया, और इस लैंडिंग पेज के थ्रू जो है मैंने साइन अप करवाया, और जो जो मैंने आपको रेवेन्यू दिखाया वो जो है इस लैंडिंग पेज के थ्रू जो है मुझे मिला है, ठीक है। आपने सिंपली यहाँ पे लिखना है गूगल साइट्स और आपने सर्च करना है। सर्च करने के बाद यहाँ पे गूगल साइट्स के ऊपर आना है आपने, और यहाँ पे आपने जस्ट लॉग इन करना है। ये बहुत सिंपल है, यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट आप लैंडिंग पेज बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपने इसको कॉट आउट कर देना है और उसके बाद आपने यहाँ पर आना है। यहाँ पे डिफरेंट आपको जो है वो मिल जाएंगी। आप गूगल साइट के ऊपर आप वेबसाइट भी बना सकते हैं। वेबसाइट बनाने का तरीका मैंने जो है वो ऑलरेडी बताया हुआ है। आप जो है मेरी प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पे गूगल साइट्स के नाम से प्लेलिस्ट होगी, और प्लेलिस्ट के अंदर जो है सारी वीडियोज़ पड़ी हुई हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, सिंपली हम जल्दी जल्दी से यहाँ पर लैंडिंग पेज बना लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है यहाँ पर आना है आपने, यहाँ पर आपने अपनी जो लैंडिंग पेज है उसका नाम लिख लेना है, ठीक है। आप कोई सा भी नाम लिख सकते हैं जो भी आपको अच्छा, मैं रैंडम सा कोई सा नाम लिख मनी, ठीक है। और यहाँ पे लिखने के बाद आप इसको कॉपी करें, कॉपी करने के बाद यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे देखें ये यहाँ पे भी हमारा नाम शो हो गया। उसके बाद जो है आपने जो पहला काम करना, ओके ये दो चीज़ें होगी। उसके बाद आपने क्या करना है, सिंपली जो है यहाँ पर आपने इसको डिलीट कर देना है। अब यहाँ पर जो है हमने सिंपली आपने इसको डिलीट करना है। अब आप क्या करना है, ऑफर्स में आना है। ऑफर्स में आने के बाद आपने जो है ये वाला आपने इस इमेज के ऊपर क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद आपने सेव इमेज के ऊपर जाना है और इसको आपने डाउनलोड कर लेना है। यहाँ से इमेज डाउनलोड करने के बाद आपने जो है यहाँ पे आना है, और यहाँ पे जो है आपने इमेज के ऊपर जाना है और सेलेक्ट के ऊपर जाना है। ऊपर जाने के बाद जो है आपने गूगल इमेज के ऊपर आना है, और यहाँ पर बैक, अच्छा गूगल इमेज के ऊपर आने के बाद हम इसका बैकग्राउंड चेंज करेंगे। तो आपने यहाँ पर वाइट बैकग्राउंड, ठीक है, आपने ये सर्च करना है। और यहाँ पे कोई सा भी हम वाइट बैकग्राउंड यहाँ पे, और यहाँ पे ये देखें बैकग्राउंड हमारा चेंज हो गया है, ठीक है। अब जो है हम यहाँ पे एक और काम करने जा रहे हैं कि हम जो ये जो ऑफर्स की इमेज है हमने ये लगानी है यहाँ पे। तो आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे आना है, स्क्रॉल करना है, और यहाँ पे आके आपने इमेज कर्सर जो है ना, ये इमेज कर्सर ये आपने इसके ऊपर आना है, और इसको आपने सिंपली यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो इमेज जो है जो हमने इसकी डाउनलोड की है वो आपने यहाँ पे अपलोड, ठीक है, ये इमेज थी, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। और यहाँ पे जो है मैं एक और इमेज यहाँ पे कर लेता हूँ, लाइक जो एक और मैंने आईफोन की इमेज डाउनलोड की थी वो भी मैं यहाँ पे उसको भी सिलेक्ट करता हूँ। और उसके बाद आपने यहाँ पे ये करना है, ये इमेज दोनों हमारी यहाँ पर अपलोड हो चुकी हैं। और यहाँ पर सेटिंग के ऊपर जाना है आपने, और यहाँ पे ऑटो स्टार्ट करना है। ऑटो स्टार्ट करेंगे तो ये जो है यहाँ पर स्लाइड चलना स्टार्ट हो जाएंगी। उसके बाद हमने इंसर्ट करना है, इंसर्ट करने के बाद आपने सिंपली इसको यहाँ से माउस से पकड़ के आपने यहाँ पे लाना है और यहाँ पे ड्रैग कर देना है, ठीक है। ड्रैग करने के बाद हम इसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा करके, ये जो है हमारी एक हमने जो ऑफ़र्स की यहाँ पे ऑफ़र थी हमारी, ये हमने इमेज यहाँ पे
लगा दिया। ठीक है, अब सिंपली कहा आपने क्या करना है, यहाँ पे आना है और यहाँ पे आपने डबल क्लिक करेंगे यहाँ पे और ये टेक्स्ट वाला ऑप्शन आ जाएगा, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और आपने यहाँ पे आना है और यहाँ पे इसको कॉपी करना है, इस टेक्स्ट को कॉपी करने के बाद आपने यहाँ पे आके इसको पेस्ट करना है। ठीक है, पेस्ट करने के बाद जो है आपने इसको यहाँ से सेंटर में कर लेना है, ये सेंटर में आ गया। अब इसको थोड़ा सा हम इसका साइज़ जो है वो बड़ा कर देते हैं, ये साइज़ बड़ा हो गया। अब जो है इसका बैकग्राउंड आप चेंज कर सकते हैं यहाँ पे, ये जो है आपको बैकग्राउंड आप चेंज कर सकते हैं, सेक्शन कलर होते हैं ये, आप यहाँ से जाके कोई सा भी कलर आपको जो अच्छा लगता है आप वो चेंज कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, फ़िलहाल हम, लेकिन आपने क्या करना है यहाँ पे इसके ऊपर आपने आके इसको, इसका जो कलर है वो चेंज करना है, हम इसको कर दें रेड ताकि जो है ये हाईलाइट हो जाए। ठीक है, ये देखें, ये हमने दो चीज़ें कर ली यहाँ पे। उसके बाद आपने क्या करना है यहाँ पे दोबारा से टेक्स्ट के ऊपर आना है और यहाँ पे आपने गेट आफ्टर यू फिल योर इन्फॉर्मेशन, ठीक है, ये कॉपी करना है और आपने यहाँ पे आना है और इसके ऊपर देन जो है आप यहाँ पे इसको सेंटर में कर दें और इसको भी हम थोड़ा सा इसका साइज़ लार्ज कर। ठीक है, ये करने के बाद अब आपने यहाँ पे लगाना, ठीक है, साइन अप वाला बटन आपने लगाना है यहाँ पे। अब देखें यहाँ पे, क्योंकि ये फॉर्म हमने जो है वो साइन अप करवाना है तो ये लिंक लगाना है हमने। लिंक लगाने से पहले आपने क्या करना है यहाँ पे, इस लिंक को कॉपी करना है। ठीक है, इस लिंक को कॉपी करने के बाद आपने ये डायरेक्ट लिंक कहीं भी नहीं लगाना, आप लगाएंगे तो आपकी जो है जो आप ये लिंक आपका एक्सपायर हो जाएगा और ये आपके किसी काम का नहीं रहेगा। आपने कॉपी करना है और आपने यहाँ पे आना है और आने के बाद आप जो है इसको, इस लिंक को, तो ये एक वेबसाइट है बिटले, यहाँ पे आके हमने जो है लिंक शॉर्ट करना है, क्रिएट न्यू के ऊपर जाएंगे और उसके बाद लिंक के ऊपर जाना है। लिंक शॉर्ट करने के लिए बहुत सारी वेबसाइट हैं, आप कोई से भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन मैं पर्सनली ये यूज़ करता हूँ। आपने यहाँ पे वो लिंक कॉपी पेस्ट करना है, करने के बाद आप क्रिएट के ऊपर जाएंगे, ये देखें क्रिएट का बटन है, इसके ऊपर क्रिएट करेंगे तो ये हमारे लिए एक लिंक जो है इसको शॉर्ट कर देगा। ठीक है, अब ये लिंक हमने यूज़ करना है, अब ये लिंक हम किसी को भी भेज सकते हैं ताकि हम अपनी सेफ साइड रहें। ठीक है, उसके बाद लिंक कॉपी करने के बाद दोबारा से यहाँ पर आएँगे और यहाँ पर आके आपने क्या करना है, ये आपको बटन नज़र आ रहा है राइट साइड पर, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, क्लिक करने के यहाँ पे लिखना है साइन अप। ठीक है, साइन अप लिखने के बाद आपने लिंक को जो है यहाँ पे पेस्ट करना है, पेस्ट करने के बाद आपने इसको इंसर्ट करना है, ये देखें ये बटन हमने लगा लिया साइन अप का। अब आपने क्या करना है, इसको यहाँ पे मिड में ले आए। ठीक है, मिड में लाने के बाद आप इसका साइज़ भी बड़ा कर सकते हैं यहाँ से और यहाँ पर ये ले आए हम। ठीक है, कलर हम चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे हम कलर कर देते हैं इसको लाइक ये कलर हमने चेंज कर लिया। ठीक है, अब ये जो है तीन चार चीज़ें हमारी होगी। अब आपने मज़ीद जो है आप इसको मज़ीद भी मॉडिफाई कर सकते हैं, लाइक यहाँ पे हम कोई सी भी आईफोन की पिक्चर यहाँ पे लगा सकते, आईफोन गिफ्ट लिखें आप। ठीक है, तो यहाँ पे सर्च करेंगे, ये इस तरह के आप जो है डिफरेंट पिक्चर्स वगैरह भी लगा सकते हैं ताकि जो है जो जिसके पास भी ऑफर जाए, जो भी जो है यहाँ पे इसको देखे तो वो जो है सिंपली साइन अप कर सके। आप इसको शायद इसका बड़ा कर सकते हैं, ये देखें ये हमने यहाँ पे कर लिया। अब आपने एक और काम क्या करना है, जो लिंक है जो आपने कॉपी किया है, इस लिंक को आप इस इमेज के ऊपर भी लगा सकते हैं। इस इमेज के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर ये देखें इंसर्ट लिंक आ रहा है, आपने ये लिंक यहाँ पर भी लगा देना है। ठीक है, ताकि जो है जो इस इमेज के ऊपर क्लिक करे वो भी जो है इस लिंक के थ्रू साइन अप कर सके और इस जो है इसके ऊपर भी आपने लिंक लगा देना है यहाँ पर, इस टेक्स्ट के ऊपर भी। यहाँ पे हम कर देते हैं पेस्ट और ये कर देते हैं अप्लाई। ठीक है, अब जो इसके ऊपर भी क्लिक करेगा तो वो डायरेक्टली जो है उस लिंक के ऊपर चला जाएगा। ये काम आपने करना है, ये ऑफर जो है आपके आपको मिली है, आपने जस्ट इतना सारा काम करना है। पब्लिश करने के लिए यहाँ पे जो है ये नाम पूछेगा, तो आपने अपनी वेबसाइट का कोई नाम लिख लेना यहाँ पर, लाइक जो भी आपका नाम होगा वो लिख लें यहाँ पर, क्विक मनी। ये करने के बाद आपने इसको जो है पब्लिश के ऊपर जाना है, पब्लिश करना है और पब्लिश करने के बाद मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि ये जो है हमारी वेबसाइट नज़र कैसे आ रही है, जो हमने लैंडिंग पेज बनाया है यहाँ पे, ये देखें। ठीक है, ये जो है स्लाइड हमारी चल रही है यहाँ पे और ये जो है हमने सारी ऑफर्स की हैं। अब जो है यहाँ पर मैं मोबाइल व्यू भी करके दिखाता हूँ, मोबाइल व्यू पर लैंडिंग पेज आपको कैसे नज़र आएगा। और लैंडिंग पेज बन गया, अब आपने क्या करना है, आप जो है आपके पास अगर ये लैंडिंग पेज बनाने के बाद आप ये लिंक कॉपी करके, ठीक है,
आप अपने किसी भी रिलेटिव को वहाँ पे डायरेक्टली भी सेंड कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको ये कहूँगा कि आप जो है फेसबुक के अंदर जो है डिफरेंट ग्रुप बने होते हैं, यूनाइटेड किंगडम हर कंट्री के अलग अलग से ग्रुप बने होते हैं, वो आप ज्वाइन कर लें। फ्री ऑफ कॉस्ट भी होते हैं कुछ, जो है वो उन पर रिस्ट्रिक्शन होती हैं, बट कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट भी होते हैं। वहाँ पर जाके आप लिंक लगा सकते हैं, वहाँ से जो है आप को जो है आपने साइन अप करवाना है किसी भी तरह से आपने साइन अप। अभी जो है अगर आपने टेस्ट करना है तो आप डायरेक्टली किसी भी इस तरह का जो है ये डायरेक्टली जो लैंडिंग पेज मैंने बनाया है, ठीक है, आप इस लैंडिंग पेज का यूआरएल कॉपी करके आप अपने रिलेटिव या किसी को भी आप डायरेक्टली भेजें जो यूके रहता है, ठीक है, क्योंकि हमने यूके की ऑफ़र जनरेट की है, तो वहाँ पर आप भेजेंगे उसको, तो वो जो है उसको बोलेंगे आप साइन अप करें, वो साइन अप जब करेगा प्रॉपर तो उसके बाद आपने यहाँ पे आके चेक कर लेना है कि आपका जो जितने डॉलर हैं वो यहाँ पे शो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, ठीक है, ये आपने लाजमी टेस्ट करना है, उसके बाद आप प्रॉपर इस पर काम कर सकते हैं। तरीका मैंने आपको बता दिया, बहुत सिंपल है, और अगर आपके पास ट्रैफिक नहीं है तो आप ये काम ये कर सकते हैं, आप पिंटरेस्ट यूज़ करें, पिंटरेस्ट पर जो है डिफरेंट थंबनेल बना के आप वहाँ पर लगाएं और वहाँ पर ये लिंक लगाएं। अच्छा, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद जो है जो भी आपका टोटल रेवेन्यू होगा वो यहाँ पर आपका शो होगा रोज़ का। देन जो है आपने क्या करना है, यहाँ पे पेमेंट सेंटर, अब पेमेंट सेंटर के ऊपर यहाँ पे आएंगे तो आप यहाँ पे देखें मिनिमम पेमेंट जो है ना आपकी वो $50 आपके बन जाएंगे, तो आप वो विड्रॉ करवा सकते हैं। यहाँ पे मिनिमम पेमेंट जो है वो $50। पेमेंट मेथड यहाँ पे दिया हुआ है इन्होंने, वो यहाँ पे देखें पेनीर का दिया हुआ है, उसके बाद पेनीर ग्लोबल बैंक ट्रांसफ़र है, यहाँ पे पेपाल भी है, ठीक है, पेनीर तो पाकिस्तान में भी चलता है, आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, पेपाल है तो पेपाल की आईडी यहाँ पे आप दे सकते हैं, ठीक है, ये जो है आप बाद में भी कर सकते हैं, पहले अगर आपके पास है तो वो आप पहले भी कर लीजिएगा, कोई इशू नहीं है, ठीक है। पेपाल और पेनीर दोनों जो है वर्क करते हैं, यहाँ पर आप उनके थ्रू अपना विड्रॉ भी करवा सकते हैं, जो भी आपकी मिनिमम अमाउंट बनेगी यहाँ पर $50, तो आप उसको विड्रॉ भी कर। तो CPA ग्रुप का जो है मैं लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, ठीक है, वहाँ पे जाएंगे आप, वहाँ पे जो है मेरी वेबसाइट होगी, आपको दिखा भी दे, सो इस वेबसाइट का लिंक, ये जो है मेरी वेबसाइट है पोर्टफोलियो वेबसाइट, तो इसका लिंक जो है मैं यहाँ पे डाल दूँगा, जाके वहाँ पे सिंपली जो है वहाँ से आपने साइन अप कर लेना है, ठीक है, साइन अप कर लेना है और डायरेक्टली जो है आप CPA ग्रुप की वेबसाइट पर आ जाएंगे, वहाँ पर जाके आपने अकाउंट क्रिएट कर लेना है। सो CPA ग्रुप के रिलेटेड कोई भी आपका क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में उसे पूछ सकते हैं, और उसके अलावा जो है अगर आपने वेबसाइट बनवानी है ब्लॉगर के ऊपर, वर्डप्रेस के ऊपर, या जो है आपने गूगल साइट के ऊपर वेबसाइट बनवानी है, ई कॉमर्स की, या कोई भी वेबसाइट बनानी है, तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।